प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभेशोंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मद्यतम। ग्रीब दो सुमर सिद्ध होई ही गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋचिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरूं चरण पर शीशे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान।
नराकार निर्विषम काल जाल वैभंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनोबेशुंधुनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मद्दतम ग्रीव जो सुमर सिद्ध हो ही गणनायक गलताना करो अनुग्र सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आदंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम रिदिचिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धामे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे तेतीस कोटि आधारा धावे शेष अठासी उतरे बवजल पारा कट है यम की फांसी तेतीस कोटि आधारा धावे शेष अठासी उतरे बवजल पारा कट है यम की फांसी कर जोरू विनती करूं दरों चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं हूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम कूता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो तो ही रहूं जो देव सुखाऊं जे इब के सतगुरु मिले सब दुख आखों रोए चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो कहनी हो कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलाती आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिव बिरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी हारे बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज मैं अपराधी जन्म का
नखसिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सुमार। सूरत करो मम साईया हम हैं भव जलमान। आप ही बह जाओगे जो तुम न पकड़ोगे बाँ। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर साहेब जी, ये हम सभी आत्माओं के एकमात्र पिता हैं। ये हमारे सृजनहार हैं। हम सभी आत्माओं के ये जनक हैं। ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं। हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल के लोक में हम रहते रहते असंख्य युग हो गए कष्ट उठातों को, और हम इस काल के दुखों को सहन करने के आदि बन गए क्योंकि हम विवश हैं। और इसी व्यवस्था को हमने अंतिम मान रखा है। और वेद ज्ञानहीन तत्वज्ञानहीन ऋषि संतों नकली गुरुओं ने, इन झूठे ऋषि महर्षियों ने परमात्मा की परिभाषा अज्ञान आधार से हमें बता रखी है और हमें फाइनल कर रखा है कि जन्म और मृत्यु तो बनी ही रहेगी। इसलिए हमने ये स्वीकार कर लिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी का होता है, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 में स्वयं गीता ज्ञानदाता, जिसको हम सुप्रीम पावर मान्या करते थे, वो स्वयं कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इस तरह के इन मंत्रों से श्लोकों से वो अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरुजन हमें ये प्रमाणित कर देते थे, हमें संतुष्ट कर देते थे कि परमात्मा भी कह रहे हैं। गीता ज्ञान दाता ये कृष्ण जी को मान रहे थे और हम पहले अज्ञान आधार से श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर माना करते थे। और गीता जी में लिखा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता। लेकिन ये अज्ञानी इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके, जिस कारण से इन्होंने उन मंत्रों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी, जिसके विषय में ये स्पष्ट किया हुआ है कि उस पूर्ण परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, उसकी सत भक्ति करने से जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है और उस सनातन परम धाम को ये साधक चला जाता है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। वो अपने ही सदग्रंथों में विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, उसके सभी विभागों को जानता है, जड़ से लेकर टहनियों तक। वो तत्वदर्शी संत होगा और उस तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और उसी परमेश्वर ने जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति उसी से विस्तार को प्राप्त हुई है। इन अज्ञानियों ने कभी नहीं बताया कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन